अस्सलाम वालेकुम माय टिकटॉक फैमिली। तो आज है नेक्स्ट डे और यहाँ पर मैंने मंगवाई अपने कज़न के लिए हलवा पूरी और मेरे कज़न सुबह 8-9 बजे आ गए हैं। तो वो नाश्ता कर आए थे, मैंने बोला चले मैं थोड़ी देर बाद 11-12 बजे के टाइम पर मंगवा लूँगी आयान से हलवा पूरी। लेकिन फिर आयान तो स्कूल गए हुए थे तो आयान ने थोड़ी लेट किया आने में, तो फिर मेरे हस्बैंड जो है ना जाके हलवा पूरी का नाश्ता अलजन्नत से लेकर आ गए थे। जो लोग मलीर में रहते हैं वो लोग जानते होंगे अलजन्नत बेकरी, और वहाँ का ही हलवा पूरी बहुत महंगी भी है और बहुत अच्छी है माशाल्लाह, और 45 रुपये की एक पूरी है। तो 10 पूरी लेकर आए थे यहाँ पर, उन्होंने सालन जो है ना अलग अलग दिया था, मतलब 2 शॉपर में दिए थे, 2 हलवे की शॉपर थी, 2 ही तहरी की थी आलू की, मतलब मज़ेदार सी भी उनकी जो है ना होती है, और सालन इनका इतना अच्छा होता है कि वो बच जाता है तो बाद में भी काम आ सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए हलवा पूरी का नाश्ता हम लोग कर रहे हैं, आप लोग भी इंजॉय करें और मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स। आगे चल के आप लोगों को दरवाज़े की वीडियो मिलेगी जिसमें दरवाज़ा लगाएंगे और दरवाज़े पर क्या लगाएंगे जिससे पानी नहीं लगेगा, जिससे दरवाज़े हमारे ख़राब नहीं होंगे, तो आप लोगों को फुल व्लॉग में ये देखने को मिलेगा, इसलिए व्लॉग को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। चलें, और आप लोग पतीली की हाँ मतलब ये नहीं सोचना कि गंदे पतीले में चाय बना ली, क्योंकि मैंने 2 बार पहले चाय बना चुकी थी मैं, इस वजह से मैंने इसी में बनाई, और इसमें इस तरह से बनाने से बड़े मज़ेदार सी चाय बनती है, बिल्कुल होटल जैसा फ्लेवर आता है, मतलब होटल जैसी चाय लगती है। और यहाँ पर देखिए दरवाज़े हमारे रखे हुए हैं पुराने और जो टूटे फूटे, अभी ये आयान के बाबा इनको जो है ना दे देंगे किसी को, मतलब बेच देंगे, और फिर जो है ना ये सारा जो भी कबाड़ा है निकल जाएगा। और जी आयान के बाबा भी माशाल्लाह वॉशरूम वगैरह बनवा लेते हैं, इनके साथ भी 2-3 जो बंदे हैं वो ये काम सारा करते हैं, लेकिन फिर भी हमने अपने कज़न से कराया क्योंकि हार हो गया है और अभी कलर वगैरह होगा साथ में। जो है ना यहाँ पर मैं एलोवेरा का और उनके पौधे वगैरह रख लूँगी। और यहाँ पर देखिए याद आ गई बचपन की बातें, याद हमारा जब घर बन रहा था तो तब जो है ना हम अपने मामों के साथ मिल के मलबे वगैरह उठाया करते थे, ब्लैक ईंटें ईंटें वहाँ पे, तो सिंध में तो लाल कलर की ईंट होती है। और आयान भी अपने मामू की हेल्प करवा रहे हैं थोड़ी सी, और मामू भी लगे हुए हैं बस काम में, अल्लाह पाक इनको हमेशा जो है ना सलामत रखे, जल्दी से इनका काम हो जाए, इसीलिए बेचारे लगे हुए हैं। बच्चे भी इनके पापा भी फेंक फेंक के आ रहे हैं मलबे को ताकि जल्दी काम जो है ना फाइनल हो जाए। जी अब दूसरा भर रहे हैं। आयान कैसा लग रहा है अब वाशरूम बन गया? आयान कौन सा शावर लगवाओगे पापा से अपने? अच्छा आयान की वो है कि ख्वाहिश के फ़ोन वाला शावर लगाएं पापा, तो अब देखते हैं इसके पापा लगाएंगे नहीं लगाएंगे। लगाएंगे फिर पापा फ़ोन वाला शावर तुम्हारे लिए हैं? अच्छा तो अभी बस जिशान भाई चाय बना रही हूँ मैं तुम्हारे लिए, ये करके आओ फिर चाय पी लेना, और अभी खाना मंगाते हैं और बिरयानी मंगाऊँगी अभी सिराज की, तो फिर खाना वाना खाएंगे फिर जाएंगे भाई। और यहाँ से बंद करवा दिए, लेकिन यहाँ पे मैं पौधे रख लूँगी यहाँ पे। अब मंगाई मैंने बिरयानी, बीफ पुलाव है क्या? हाँ। अच्छा तुम खाओगे? चलो फिर अंदर ही लेके चलती हूँ। बच्चों को खाना खिला दिया और अजान रो रहे हैं, अजान के दर्द हो रहे हैं, और यहाँ पर दूध मंगाया मैंने इन बच्चों को पिलाने के लिए क्योंकि बनाया नहीं। और ये जी देखिए हम दरवाज़ा लाए अपना वॉशरूम का, और इंशाल्लाह गेट भी लाएंगे, ये हमारा जो है ना लोहे का है तो इसको हटा के हम इंशाल्लाह लकड़ी का ही लगवाएंगे चौखट के साथ। और लो आज ये आयान है, और आयान ने बहुत काम किया है आज, अब इसको नींद आ रही है और आँखें कितनी लाल हो रही है। और यहाँ देखिए ये हेल्प करवा रहे हैं मेरे साथ, और मशीन भरी हुई रखी हुई है कपड़े की, कल मशीन लगाऊंगी। और यहाँ पर ये हमारे पुराने दरवाज़े सारे यहाँ पर चले गए हैं इसके अंदर, और यहाँ पर सारी सफाई हो गई है, मेरा किचन भी सारा साफ़ हो गया है, और यहाँ पर मैंने ये भी बंद करवा लिया, अब कलर करवाना बाकी है, बस सिर्फ कलर होगा और दरवाज़े चेंज होंगे यहाँ के, और ये भी हमने बंद करवा लिया। और बस आप लोग दुआ करें इसी तरह कि हम तरक्की पर तरक्की करते रहें इंशाल्लाह। बस मिलते हैं आप सबसे थोड़ी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में, देखिएगा दरवाज़ा कैसे लगता है, कैसे वॉशरूम में फिटिंग वगैरह होगी, कौन से शावर लगवाएंगे, आप लोग सब देखिएगा इंशाल्लाह। मिलूंगी फिर आप सबसे, अल्लाह हाफिज़।